गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 9 बजने वाले हैं और आज बहुत जल्दी नहा धो के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि आज ज़्यादा काम नहीं था। 2-3 काम करके फटाफट नहा धो लिया, लेकिन ठंडा लगा सुबह को। पानी ठंडा हो गया है आजकल, बहुत जल्दी इस बार ठंड आने वाली है। आज सुबह जल्दी सो के उठ भी गई थी, क्योंकि कल भी मॉर्निंग वॉक पर नहीं गई थी। आलस तो हो रहा था, लेकिन मैं उठी और फिर 5:30 के करीब उठी थी। 6 बजे गई हूँ घूमने। थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा ही रहता है आजकल, लेट से उजाला होने लगा है। सर्दियों जैसा मौसम हो गया। सुबह को हल्की हल्की सी ठंड लग रही थी। मैं 30-40 मिनट करीब घूम के आई हूँ, उसके बाद 1-2 काम किया और नहाने चली गई। कुछ काम ही नहीं था ज़्यादा, खाना बनाना भी बाकी है लेकिन बाद में बनाऊँगी। तो मन हुआ कि शॉर्ट्स में वीडियो शूट कर लूँ स्किन केयर का, फिर मेरा मूड चेंज हो गया, पहले नहा धो लेती हूँ। नहाने गई तो आज पानी भी बहुत ठंडा लग रहा था। लगता है कि 5-6 दिनों के बाद पानी गर्म करके नहाना पड़ेगा। दिन में अभी भी यहाँ पे बहुत तेज़ धूप होती है, बट अचानक से वेदर चेंज हुआ है, इसकी वजह से गले में खराश और सर्दी जुकाम सा भी होने लगा। चारों तरफ मैं देख रही हूँ सभी लोगों को, कहीं कहीं पर बारिश हुई, इसकी वजह से भी हल्की फुल्की सी ठंड यहाँ भी सुबह को महसूस हो रही है। और सिक्किम में तो बादल फटने से बहुत बाढ़ आ गई है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, कई लोग लापता हो गए, वही मैं न्यूज़ में देख रही थी। और बहुत ही भयानक वहाँ का दृश्य देखने को लग रहा था, बाढ़ का पानी इतना तेज़ है, बहुत ही भयावह दृश्य है वहाँ का। पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि इस तरह से होता है, बादल फटने से इतना पानी आता है, बाढ़ आ जाती है। लेकिन जब से केदारनाथ वाली घटना हुई है ना, दिल दहला देती है। ये सारी घटना जिसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, वो कब कहाँ पे आ जाए किसी को पता नहीं है। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमें पता है, इसके लिए पहले से तैयारी करके रखते हैं। वहाँ भी शायद तैयारी कुछ हो रखी होगी, बारिश हो रही थी तो, बट इतना ज़्यादा पता नहीं था किसी को कि इस तरह से बादल फटने से इतना ज़्यादा पानी आ जाएगा एक ही बार में। और यही हाल हुआ था केदारनाथ में भी। मूवी में मैंने देखी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था देख के ही। मैं तो ऊपर वाले से प्रे करती हूँ कि भगवान सबकी रक्षा करें, नहीं तो ऐसी घटनाएं जिनके साथ या जिनके परिवार के लोगों के साथ हो जाती हैं, ज़िंदगी भर भरपाई नहीं कर पाते हैं। प्रकृति का ऐसा ही है, वो जहाँ चाहे जैसे चाहे कुछ भी कर सकती है। कहीं पे सूखा है, कहीं पे बारिश इतनी ज़्यादा है जो संभल नहीं पा रहा है, बाढ़ आ गई है। यहाँ पर तो बारिश के मौसम में भी एक बूंद भी पानी नहीं गिरा, और अभी तो क्या कहना, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, धूप अच्छी खासी निकल रही है। हल्की सी ठंड की शुरुआत होते ही स्किन का खींचना शुरू हो गया, अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है। हाथ पैर के स्किन भी खींच रहे हैं। मैं लगा रही हूँ गुड वाइब्स का, ये हैंड क्रीम है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मॉइस्चराइज तो करता ही है, साथ ही साथ खुशबू भी बहुत अच्छी है। कल मैं अपने बालों में हिना करने वाली हूँ, क्योंकि ग्रे हेयर दिख रहे हैं मेरे। और आज कल मैं 2-3 बार से हिना कर रही हूँ बालों में। कलर को कुछ दिनों के लिए स्टॉप किया है, देखती हूँ कि हिना से कितना कवर हो पाता है। मेरे फ्रंट के कुछ हेयर हैं वो बहुत जल्दी दिखने लगते हैं, पीछे वाले बालों में उतना ज़्यादा नहीं है। ये छोटे छोटे से बाल हैं, अंदर भी नहीं जाते हैं और ये बहुत जल्दी दिखना है। लेकिन सर्दियों में मेहंदी लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 3-4 घंटे मेहंदी के पैक को आप बालों में रखते हैं तो सर्दी जुकाम का डर रहता है, थोड़ा सा ठंडा होता है। थोड़ी देर आराम से बैठ के आप लोगों से बातें की। अब जा रही हूँ मैं कुछ काम करने, खाने की तैयारी करूँगी। और कल मैंने मेकअप वीडियो शूट की थी तो उसमें ब्रशेज वगैरह जो हैं वो गंदे पड़े हैं, तो उसको वॉश करके रखूँगी। Thank you.
करेले की सब्जी बना रही हूँ। मेरा मन नहीं था ज़्यादा मसालेदार सब्जी बनाने का, बट कल मैंने मसाला पीसा था थोड़ा सा, तो उसमें से बचा हुआ है, इसको यूज़ करने के लिए मैं करेले को भर के बनाऊंगी। चार ही करेले हैं मेरे पास, तो इसके बीज निकाल के मसाले में डाल के उसको भून के, और भरवा करेले की तो रेसिपी मैंने कितनी बार शेयर की है। छोटे छोटे वाले करेले होते हैं ना, उसके भरवा करेले अच्छे लगते हैं। ऐसे तो मैंने हल्का सा बॉयल कर देती हूँ तो बीज आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन अभी तीन चार ही है तो कच्चे से मैं ऐसे फटाफट निकाल के बना दूँगी। और इसके साथ आज मैं रोटी बनाने वाली हूँ, क्योंकि चावल और सब्जी पहले से थोड़ा बचा हुआ है। इस तरह से खाली कर दिया, सारे बीज निकाल लिए हैं, और मसाले में कुछ नहीं डालना है, इसमें सारा कुछ डाला हुआ है, सिर्फ नमक ऐड करना है। कई लोग तो कच्चा मसाला भी फिल कर देते हैं इसमें, लेकिन मैं हल्का सा भून देती हूँ। थोड़ा सा अमचूर का पाउडर डाल देती हूँ, क्योंकि करेले में फिल करना है, और तो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ डाला हुआ है। मसाले अच्छे से भून चुके थे, इसे निकाल के थोड़ी देर ठंडा किया और फिर करेले में फिल करके तेल में डाल दिया है फ्राई होने के लिए। फिर मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी, क्योंकि करेले उबले हुए नहीं है, बिल्कुल पक्के हैं, तो पकने में टाइम लगेगा। और ये वाली कढ़ाई मेरी बहुत जल्दी जल जाती है, क्योंकि पतली है। ये कढ़ाई मैंने एक दो महीने पहले ख़रीदी है, और मुश्किल से चार से पांच बार इसमें सब्जी या कुछ भी बनाया होगा, लेकिन जैसे ही तेल का सामान बनाओ ना, इसमें भुंजिया वगैरह, इतनी जल्दी जल जाती है, पतली है एकदम। पहले वाली कढ़ाई मेरी जो अभी भी है, लेकिन चारों तरफ से काली पड़ गई है, तो इसलिए मैं उसमें नहीं बनाती हूँ, फिर भी वो अच्छी है इससे। जबकि ये कढ़ाई मैं थोड़ी सी महंगी लेके आ गई, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। छोटी सी इसलिए लेके आई थी कि मेरे पास जितनी भी कढ़ाई पहले की है, तीन चार कढ़ाई है मेरे पास, तो वो सब बड़ी बड़ी है, तो कुछ थोड़ा सा कम बनाना हो, जैसे पापड़ वगैरह भी तलना हो, या आज जैसे चार करेले बनाने थे, इस तरह से थोड़ी सी भुंजिया बना लो कुछ भी, तो उसके लिए छोटी कढ़ाई रहती है, उसमें अच्छा लगता है बनाने में। लेकिन ये उल्टा ही पड़ गया, मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी ख़राब होने वाली है। Thank you.
खाना बन गया, लेकिन अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 11:30 बजे हैं। मैंने इसलिए बना के सब एक साथ ही रख दिया, सब्जी रोटी चावल और सब्जी पहले से ही है, बचा हुआ है कल का, तो सब मिला के खाएंगे। मुझे वीडियो एडिट करनी है तो एक बार मैं बैठ जाऊंगी, 2-3 घंटे लगेंगे उसमें, एडिट करनी है, वॉइस ओवर करना है, तो इसलिए मैंने बना के रख दिया, अपना काम कर लिया है। अभी मैंने बोला था दिन में धूप तेज़ होती है, तो अभी भी चिपचिपाहट से गर्मी हो रही है, दिन में गर्मी होती है और सुबह को ठंड लग रही थी। और ये मेरा तुलसी का पौधा सूख गया, इसे ही देखने आई थी, पानी भी देती हूँ इसमें और इतना भी नहीं डालती पानी कि सूख जाए। बहुत लोग कहते हैं कि तुलसी के पौधे में ज़्यादा पानी नहीं डालना, तो जो पूजा करती हूँ वही आधा इसमें और आधा इसमें डालती हूँ पानी, छोटा सा लोटा है पूजा। देख रही हूँ कि हल्का हल्का सा मुरझा गया, आज तो बिल्कुल ही सूखा हुआ लग रहा है मुझे। अगर आप लोगों को पता हो कि इसको सूखने से कैसे बचा सकते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताना, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है देख के। इसके भी पत्ते सूखे थे नीचे से, लेकिन उसे निकाल दिया तो ये अच्छा हो गया है, लेकिन ये तो पूरा का पूरा पौधा ही सूख गया। और इनके यहाँ देखो सामने में कितने अच्छे पौधे लगे हुए हैं, फूल भी छोटे छोटे से काफ़ी खिले हुए हैं। मैं अंदर आ गई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा था, स्कूल में छुट्टी हुई है, बट अभी छुट्टी का टाइम तो है नहीं, 11:20 हुए हैं, 2 बजे छुट्टी का टाइम होता है, लेकिन बच्चों की आवाज़ आ रही थी। अभी मैं आई हूँ यहाँ पे एडिट करने के लिए, 1-1.5 घंटे करूँगी, उसके बाद जाके खाना खाऊँगी। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।